शिवम नाट्यालय का 38वां अरंगेत्रम माही लोहिया द्वारा एसएन मेडिकल ऑडिटोरियम में 7 मई को होने जा रहा है। लोहिया और भराड़िया परिवार की लाडली माही दिल्ली पब्लिक स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा है। बचपन से ही नृत्य में गहरी रुचि रखने वाली माही ने मात्र 4 वर्ष की आयु से ही अपनी गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। 9 साल कठिन मेहनत करके जोधपुर वासियों के समक्ष अपनी 3 घंटे की प्रस्तुति देने हेतु उत्साहित है। अपनी गुरु माँ से प्रेरित होकर माही ने अत्यंत भक्ति के साथ इस कला की बारीकियों को सीखा। माही ने नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए कई प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। महेश्वरी समाज द्वारा एवं स्कूल द्वारा आयोजित विभिन्न नृत्य प्रतियोगिताओं एवं समारोहों में भी प्रस्तुति दी है। मात्र 2.5 साल की उम्र में मंच पर बिना डरे नृत्य की एकल प्रस्तुति दी थी और वहीं से आज तक के सफर में उसने कई आत्मविभोर करने वाली प्रस्तुतियां दी हैं। माही नृत्य के अलावा बैडमिंटन की अच्छी खिलाड़ी है, साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट में भी उसकी काफ़ी दिलचस्पी है। माही विकास लोहिया एवं रश्मि लोहिया की सुपुत्री है। नमस्कार, मैं शिवम नाट्यालय की डायरेक्टर मंजूषा सक्सेना आप सबके समक्ष शिवम नाट्यालय का 38वां अरंगेत्रम लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। माही लोहिया, जिसने महज 4 साल की आयु से ही हमारे इंस्टीट्यूट में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ उसने ये सफ़र पूरा किया और 7 मई को मेडिकल ऑडिटोरियम में उसका अरंगेत्रम होने जा रहा है। एक बच्ची के लिए ये अरंगेत्रम बहुत महत्व रखता है। जो बच्ची आज के समय में इतनी विषम परिस्थितियों में, जहाँ एक बच्ची के ऊपर पढ़ाई का लोड होता है और आमने सामने जो भी माहौल होता है वो इतना डिस्ट्रैक्ट करता है, ऐसे माहौल में इंडियन क्लासिकल डांस को इतने तन्मयता के साथ सीखना, पूरे परिवार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो एक बच्ची जो इतने साल तक मेहनत करती है और उसका जो दीक्षांत समारोह है, जिसे अरंगेत्रम कहते हैं, प्रथम प्रवेश जिसे कहते हैं, वो होने जा रहा है। तो आप सब आएँ और देखें कि एक लगन के साथ और भी बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और 13-14 बच्चे आगे भी लाइन में लगे हुए हैं, लगातार मेहनत करके अरंगेत्रम की ओर मुकाम में बढ़ रहे हैं। तो आप सबके आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है। शिवम नाट्यालय आप सबका इंतजार करेगा। धन्यवाद। तो तुम तरिकिट तुम से ये अभ्यास किया जाता है और इतनी कठिन विधा को सीख कर लगातार 3-3 घंटे इसका अभ्यास करके ताम तकिट दीम तजनु दीम तकिट तजनु तकिट तैद दतै तजनु तैद दतै ताम तकिट दीम तजनु दीम तकिट तकिट तैद दतै तजनु तैद दतै तक तै देतों तक तै देतों तद तकनक जम तरिकिट तक तद तकन तरिकिट तक तार तरिक जम तदिन तरिक जम जम तदिन तरिक जम। और वो इस कला को, जब बच्चों की उम्र होती है इधर उधर उलझने की, तब वो बच्चे इस कला की निपुणता हासिल करते रहते हैं, तालों में उलझे रहते हैं, बड़ा ही अलग बच्चों की। तकित तक्का दिम्मी तकित तक्का दिम्मी तकित तक्का दिम्मी तकित तक्का दिम्मी तकित तक्का दिम तकित तक्का दिम्मी तकित तक्का दिम तकित तक्का दिम्मी तकित तक्का दिम तकित तै 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 तकित दिम्मी तकित तक्का दिम्मी तकित तक्का दिम्मी तकित तक्का दिम्मी तकित
धिम्मी तकित तक धिम्मी तकित तक धिम्मी तकित तक धिम्मी तकित तक धिम्मी तकित तई तई रु तई धड़म तुम तरकित तुम ता तक जम तरिका तद्धित तक नक जम तरि तक तिकु जम तरि तय तद्धित तक नक जम तरि तार तड़िक जम तड़िक जम तद्धित ताम दित तोम ता ते ते ता तोम तदि गिन तोम तक तदि गिन तक तिकु तदि गिन तोम दित तोम ता ते ते ता तोम तदि गिन तोम तक तदि गिन तोम तक तिकु तदि गिन तोम दित तोम ता ते ते ता तोम तदि गिन तोम तक तदि गिन तोम तिकु तदि गिन तोम ता नी द प म प द नी द प म ग रे दा नी द प म प द नी द प म प प ग ग नी नी सा नी द प म प द नी द प म ग रे दा नी द प म प द नी द प म प प ग ग नी नी देत हाथ ऊपर देत तई दे दे तई दे तई दे तई तकित 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 तई दे दे तई 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 दे दे तई 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 दे दे तई ता। नमस्कार, मेरा नाम माही है। मेरा अरंगेत्रम 7 मई को होने जा रहा है मेडिकल कॉलेज में। आप आए और मुझे आशीर्वाद दें, धन्यवाद। उनके माता पिता के बारे में भी जानते हैं, कैसा फील करते हैं वो, और इतने साल तक एक संयम के साथ अपने बच्चों को एक गुरु पे भरोसा करके आज के समय में सिखाना, ये कोई कम बात। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं रश्मि लोहिया, माही लोहिया की माता, आप सभी को मेरी बेटी माही के आरंगेत्रम की प्रस्तुति पे निमंत्रण करती हूँ। माही ने महज 4 साल की छोटी उम्र में यह शिक्षा डॉक्टर मंजूषा सक्सेना गुरु के नीचे लेना शुरू किया था। आज 9 साल की कठिन तपस्या के बाद सारी कलाएं, सारी मुद्राएं अच्छे से ग्रहण करके वह अपनी आरंगेत्रम की प्रस्तुति देने जा रही है। 7 मई को उसका यह प्रोग्राम मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। आप सभी को उसे आशीर्वाद और ब्लेसिंग देने ज़रूर पधारना है, धन्यवाद। हमारे शिवम नाट्यालय में जोधपुर में ब्रांचें जो हैं उसमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। एयरफोर्स एरिया में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में और सुशांत सिटी पाली रोड में हमारी ब्रांचें हैं। हमारे यहाँ 3.5 साल से लेकर 50 ईयर्स ओल्ड तक की महिलाएं आती हैं और अपना इस भरतनाट्यम की इस कला को आगे बढ़ा रही हैं। आप भी एडमिशन ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।